hearty welcome on behalf of DSPPL और गणेश फेस्टिवल की आप सब लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं। गणपति फेस्टिवल, थैंक यू सर। यस दहेज, वेलकम। गणेश फेस्टिवल हमेशा ही सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे हो या बूढ़े हो। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको गणपति फेस्टिवल में, गणेश फेस्टिवल से आनंद नहीं मिलता है, और इसीलिए गणपति की हर दिन हर लोग सभी उसकी याद देखते हैं कि कब गणेश फेस्टिवल आएगा और हम दोबारा से ये उत्सव मनाएंगे। आज का प्रोग्राम जैसे ही शुरू हुआ, जैसे ही एक एक लोग लॉगिन होने लगे, तो सबसे पहला मैसेज हमारे आशीष मोड़े जी ने डाला और उन्होंने लिखा गणपति बाप्पा मोरया। हमेशा ये बोलते हैं हम, गणपति बाप्पा मोरया। सवाल यह है कि ये मोरया शब्द जो है, ये मोरया शब्द आया कहां से, इसके पीछे की क्या जानकारी है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि मोरया गोसावी जो एक बहुत बड़े संत थे 14th century में, और वो गणपति के बहुत ही बड़े साधक थे, बहुत ही भक्त थे। He was a great devotee of Lord Ganesha. Originally वो कर्नाटक से आते थे, कर्नाटक में शालिग्राम करके एक गांव है, वहां उनका जन्म हुआ। और उसके बाद वो महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में पूना के नजदीक मोरगांव करके एक जगह है, मोरगांव करके एक प्लेस है, जहां पे इन्होंने ये मोरया गोसावी, ये जो संत थे, उन्होंने गणेश जी का मयूरेश्वर टेम्पल, इसकी स्थापना की। और जो गणपति की फेमस अष्टविनायक यात्रा हम कहते हैं, ये अष्टविनायक यात्रा भी यही से शुरू करते हैं। अष्टविनायक पिलग्रिमेज ये मोरया गोसावी के लिए समर्पित है। तो ऐसी दंत कथा है कि मोरया गोसावी एक बार गणेश जी की प्रार्थना कर रहे थे और वो इतने भावविहल हो गए कि साक्षात गणेश ने उनको दर्शन दिया। और गणेश जी ने मोरया गोसावी को पूछा कि भक्त आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा। अभी वो बहुत बड़े संत थे, बड़े भक्त थे, तो भक्त को क्या चाहिए, उन्होंने इतना ही कहा कि मुझे अभक्त नहीं होना है, मेरा नाम आपके नाम से सदैव जुड़ा रहे, मैं आपसे सदैव जुड़ा रहूं, इतना ही चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि गणपति बाप्पा के बाद ये जो मोरया शब्द आता है, ये मोरया गोसावी के प्रति समर्पित करके आता है। तो गणपति बाप्पा मोरया, ऐसा बोल के आज के ये प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों को दोबारा, आप सब लोगों का स्वागत। गणपति की हम सॉन्ग, गणपति का भजन सुन के, गणपति का एक गाना सुन के हम ये प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे DSPPL के फैकल्टीज वो भी तैयार है, सब लोग राह ही देख रहे थे कि ये गणेश फेस्टिवल का कब ईमेल आए और हम सब लोग इसमें पार्टिसिपेट हो। तो आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम का मेन फोकस है, मेन अटेंशन है, वो हर घर में जो गणपति है, वो हर घर से हर एक के दिल में विराजमान हो। इसलिए जो घर में हमने गणपति गणेश की जो स्थापना की है, उसके फोटोज हम दिखाएंगे, उसके वीडियोज कुछ दिखाएंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने सर सवाल भी भेजे हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं, और वो सवाल इतने इंटरेस्टिंग है कि मैं हैरान हो गया। किसी एक ने सवाल लिखा है, मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ता हूं। आशीष जी आप भी ध्यान देना, आप सारा ये न्यूज़लेटर वगैरह चलाते हैं, इसमें शायद आपके काम आएगा। एक मुझे सवाल लिखती है, उसने पूछा है कि डज गणपति एग्जिस्ट, क्या गणपति सच में होते हैं। वो कहती है कि वेदर अ हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल विथ अ ह्यूज बेली एंड अ हेड ऑफ एन एलिफेंट विथ अ ट्रंक एंड टस्क्स रियली एग्जिस्ट एंड इट रियली टॉक्स एंड वॉक्स लाइक ह्यूमन एंड इट लाइक्स टू इट मोदक। तो ये सवाल सुनकर मैं हैरान हो गया, पर आप सब लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सवाल का जवाब अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको जरूर मिलेगा। बस प्रोग्राम में जुड़े रहिए, ये सवाल के जवाब के लिए हम थोड़ी देर बाद आते हैं। तो फिर एक बार आप सब लोगों का स्वागत इस प्रोग्राम में, और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं गणपति के गाने से। तो माधवी ताई, माधवी सप्तर्षि, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
हाँ जय गुरुदेव। audible. I am audible? Yes, yes, please go ahead. Okay, thank you. गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गुरुदेव। वाह माधवी वाह, थैंक यू, थैंक यू, ब्यूटीफुल सॉन्ग। गणपति गणों का स्वामी, गण यानी समूह ग्रुप। ऐसी एक कथा है कि जब शंकर और पार्वती बैठे थे और कार्तिकेय और गणपति में एक स्पर्धा लगी कि जल्दी से जल्दी ये पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को कौन पूरा उसका सफर करके वापस आएगा, और लॉर्ड गणेश उसमें जीत गए क्योंकि उन्होंने उनके माता पिता के बाजू में जो साक्षात शंकर और पार्वती थे उनको सर्कल लगाया। तो ये गणपति गणों के स्वामी, गणों के प्रमुख, तो जहां जहां भी समूह है, जहां जहां भी ग्रुप्स है, उस सब के स्वामी, उस सब के कर्ता धर्ता ये श्री गणेश है। ये पृथ्वी भी बनी है बहुत सारी चीजों से, मेटल्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये भी सारे तो ग्रुप्स ही है। तो ये ग्रुप के, ये समूह के भी स्वामी गणपति ही है। सारी पृथ्वी बनी है अलग अलग खंडों से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, ये कॉन्टिनेंट का समूह के भी स्वामी गणपति है। हर एक कॉन्टिनेंट बना है अलग अलग देश से, देश बने राज्य से, राज्य बने शहरों से, शहर बने गांवों से, और गांव बने आपके और हमारे घर से। तो ये भी तो समूह हुआ, इसके भी तो स्वामी गणेश ही है। हमारे घर में जो लोग हैं वो भी एक समूह है, उनके भी स्वामी गणेश है। और हम जो व्यक्ति है, हमारे भीतर भी तो समूह है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी याददाश्त है, तो ये सबके भी स्वामी गणेश ही है। सवालों की बहुत सारी बौछार मेरे ऊपर आ रही है। दूसरा सवाल मेरे पास आया है कि गणपति को गॉड ऑफ इंटेलेक्ट कहते हैं, और उसके साथ साथ माता सरस्वती को भी
इंटेलेक्ट की ही स्वामी माता कही जाती है। तो उसमें क्या भेद है, क्या अंतर है, मैं आपको वादा करता हूं आप प्रोग्राम में जुड़े रहिए, ये सब सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गायत्री जी के साथ दूसरे गाने से। गायत्री जी, ओवर टू यू। जय गुरुदेव, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। जय गुरुदेव गुरुजी, जय गुरुदेव अश्विनी, जय गुरुदेव। शरण सिद्धि विनायका, शरण विद्य प्रदायका, शरण सिद्धि विनायका, शरण विद्य प्रदायका, शरण पार्वती तनय मूर्ति, शरण मूषिक वाहना, शरण सिद्धि विनायका। నిటిల నేత్రనే దేవి సుతనే నాగభూషణ ప్రియనే, నిటిల నేత్రనే దేవి సుతనే నాగభూషణ ప్రియనే, తటిల తాగిత కోమలాంగనే, తటిల తాంకిత కోమలాంగనే, కర్ణకుండల దారుణే, కర్ణకుండల దారుణే, శరణు సిద్ధి వినాయక, శరణు విద్య ప్రదాయక, కూక్షీ మహాలంబోదరనే ఈక్షు చాపన గెలిదనే, కూక్షీ మహాలంబోదరనే ఈక్షు చాపన గెలిదనే, పక్షి వాహన శ్రీ పురందర, పక్షి వాహన శ్రీ పురందర, విఠలన నిజ దాసనే, విఠలన నిజ దాసనే, శరణు సిద్ధి వినాయక, శరణు విద్య ప్రదాయక, శరణు పార్వతీ తనయ మూర్తి, శరణు మూషిక వాహన, శరణు సిద్ధి వినాయక, థ్యాంక్ యూ। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू वेरी मच। सर ये सवाल रुक ही नहीं रहे हैं। अभी अगला सवाल मेरे पास किसी ने लिखा है और वो लिखते हैं, व्हाई गणेश इज वर्शिप्ड एंड प्रेड बिफोर एवरी ह्यूमन एक्टिविटी और क्रिएशन। बैठिए, आप जुड़े रहिए कार्यक्रम के साथ, सवालों के जवाब जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो शेड्यूल तय किया है वो भी तो आगे लेके जाना है। तो ये गाने के बाद अभी बारी है अथर्वशीर्ष की। The most powerful stotra of Ganesha is Atharvashirsha. Mrunal Tai, over to you. Jai Gurudev Guruji. Sunai de raha hai? Haan haan, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Okay. Sabhi ko Jai Gurudev aur Ganesh Utsav ki bahut bahut shubhkamnaen. Thank you. ही हम भी आपके साथ चैंटिंग करेंगे पर म्यूट रख के, आपका आवाज सबको सुनाई देगा। अच्छा ठीक है। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमा क्षभीरजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितै यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु।
ओम शांति 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 ही। हरि ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवादरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम्, अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम्, एतत्तव मनुस्वरूपम्, गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्तरूपम्, बिन्दुरुत्तररूपम्, नादसन्धानं संहिता सन्धिः, सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः, निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तम् आशमङ्कुशधारिणं, रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं, रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं, रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं, भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्, आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते स्तुलम्बोदराय, एकदन्ताय विघ्ननाशिने, शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षंयोधिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स सर्वतः सुखमेधते, स पञ्चमहापापात्रमुच्यते, सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति, सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति, धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं, यो यदि मोहाद्धास्यति स पापीयान् भवति, सहस्रावर्तनाद् यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत्, अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति, चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति। इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति, यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति, यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति, यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति,
यस्सा जसमिद्भिर्यजति ससर्वं लभते ससर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांतिः धन्यवाद जय गुरुदेव थैंक यू मृणाल ताई थैंक यू वेरी मच बहुत बार मृणाल ताई बहुत बार लोग क्वेश्चन पूछता है कि अथर्वशीर्षक का मतलब क्या है अथर्वशीर्षक का पढ़ाई से नाता क्या है तो ये सवाल भी आने वाले हैं शायद इस प्रोग्राम में पर सवाल बाद में लेंगे जिसके लिए सारे लोग जिसकी राह देख रहे हैं आई विल टेक इट नाउ टू द आशीष जी कि सब लोगों को वो फोटोज देखने जय गुरुदेव जय गुरुदेव एम आई ऑडिबल यस यस आशीष जी जय गुरुदेव ओके मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन सो हमने काफी कम टाइम में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है हमारे डीएसपीपीएल परिवार से जैसे हर घर तिरंगा प्रोग्राम किया था वैसे हम इस बार हर घर गणपति प्रोग्राम भी देख रहे हैं हो रहा है और यू नो जैसे इस प्रोग्राम का थीम है लॉर्ड गणेशा फ्रॉम माय होप टू योर हार्ट जैसे हम हमारे परिवार का गणपति हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे अलग अलग 5 या 6 स्टेट से आए हैं इमेजेस गणपति जिन वीडियो आए हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन विजिबल है ना यस यस ओके सो अरुंधति एंड मृणाल विस्पुते इन्होंने अपना गणपति का फोटो शेयर किया है वडोदरा से रिद्धि पटेल इन्होंने अपना गणपति शेयर किया है ये हमारे घर के गणपति है और सुनील जी के घर के घर से घर पे गणपति अलग अलग टाइप के डेकोरेशंस भिन्न भिन्न प्रकार के डेकोरेशंस आपको देखने मिलेंगे धैर्य और वीर चंदक नाशिक से कुछ कहना चाहते हैं इज इट ऑडिबल नहीं एक सेकंड I'll again share with the audio also just share with audio karna yeah otherwise धैर्य और वीर यहाँ है available वो direct भी दोबारा हाँ उनको भी directly बोल सकते हैं share okay is it audible now audible now नमस्कार तुम्हा सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक नमस्कार तुम्हा सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा मी धैर्य पीयूष चांडक व मी वीर पीयूष चांडक आणि आम्ही तुम्हाला आज गणेश उत्सवाविषयी काही माहिती उनका बहुत अच्छा वीडियो है YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे तो वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया वैसा उन्होंने बहुत अच्छे से दे हैव ट्राइड टू स्प्रेड मैसेज अबाउट गणेशोत्सव पैट्रियोटिक थीम बेस पे सुनील जी पे का थीम बनाया है पूजा सोलंकी जी का भी हम देख सकते हैं यहाँ पे डेकोरेशन स्वामी का डेकोरेशन भी यहाँ पे भूमि पगारे ने किया हुआ है और दिविजा और रुचिरा जोशी ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है निधीश पुणे से उनका भी डेकोरेशन करता
सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन माथे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव हो गजानन हो सर्वत मन हैदराबाद से माधवी जी ने भी अपना गणपति का फोटो शेयर किया है और गोवा से अवनी ने काफी अच्छा डेकोरेशन किया है यहाँ पे काफी नेचुरल ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स का डेकोरेशन है बैंगलोर से कुछ गणपति जी के फोटो आए हैं बीना जी गायत्री अवधूत सर ने देवरुख से भेजा है उन्होंने बनाए हुए गणपति का फोटो और ईशान ने भेजा है बैंगलोर से उसके यहाँ पे गणपति जो बिठाए उनके डेकोरेशन का फोटो वडोदरा से किशोरी अडवाणी जी ने भेजा है पुणे से आशा काकू ने भेजा है बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन से सबके और यहाँ पे कुछ लोगों ने हाथ से बनाए हुए गणपति भी इस बार बनाए हैं उनके उन्होंने भी अपना फोटो और वीडियो शेयर किया है अमय जाधव मुंबई से डॉक्टर मुरली कृष्णन जी ने भी बनाए हैं घर पे गणपति यू कैन सी God of creativity, you can see कैसे it is expressed over here. Thank you for sharing such wonderful decorations. और उम्मीद है आपको सबको पसंद आया हो. Thank you so much. Thank you, Ashish. Thank you, Guru. Yes. Thank you, Ashish, for this wonderful PPT. Wonderful. शोकेस ऑफ वेरियस गणपतिज एट होम तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग सर सवाल पूछते हैं अभी किसी ने लिखा कि गणपति का जो मुख है वैसे कहा जाता है कि एलिफेंट जैसा है तो क्या सच में उसका हमारे साथ कुछ नाता है गणपति ने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था तो क्या कंबोडिया से लेकर इंडोनेशिया तक श्रीलंका से लेकर इंडिया तक सब जगह उसका नाता है विष्णु के अवतारों की तो चर्चा होती है क्या गणपति के भी अवतार हैं और अगर है तो उसमें क्या खासियत है उसकी क्या बात है और गणपति का हमारे पढ़ाई के साथ साथ क्या नाता है अब इतने सारे सवालों के जवाब एक साथ देना थोड़ा मुश्किल है पर फिर भी देखते हैं इन सब सवालों के आपको जवाब कैसे दे पर बहुत बार क्या होता है ना कि कोई एक सवाल पूछता है या ऑनलाइन फोरम पे उसको जवाब भी दिया जाता है और वो जवाब सिर्फ उसी के लिए रह जाता है तो ये ना हो इसलिए अगर आपको भी ये सारे सवाल है अमोल आप भी पूछना कई लोगों को कि अगर इस तरह के सवाल लोगों को आ रहे हैं वीर आपको आते हैं ऐसे कुछ सवाल क्या गणपति सच में है क्या गणपति को बुद्धि की देवता क्यों कहा जाता है आता है ऐसा कभी सवाल आपके मन में हाँ कभी, कभी आता है तो गणपति का क्या नाता है ये पढ़ाई के साथ ये अथर्वशीर्ष क्यों बोलना है इसके बारे में आता है आपको कभी मन में हाँ। सारे सवालों के जवाब आपको चाहिए वीर हाँ। तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं ये जो शुरू से आपने सारे सवाल जितने भी सवाल पूछे ना कि क्या गणपति सच में होते हैं गणपति का हमारे शरीर के साथ क्या नाता है अव्यक्त से व्यक्त लाने में गणपति कैसे हमारी मदद करते हैं पढ़ाई में गणपति का क्या महत्व है और अथर्व शीर्ष भी बोलना है तो क्यों बोलना है उससे क्या फायदा होता है इतने जो सारे हमारे मन में सवाल है ना ये सारे सवालों का हमने जवाब दिया है
और आप लोगों को भी चाहिए अगर सवाल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे लोगों के मन में और बच्चों के मन में और स्टूडेंट के मन में सवाल आते हैं कि सर भाई मुझे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, ऐसा क्यों है, ये बोलते हैं तो ऐसा क्यों है, प्रथम पूजा क्यों करना है, अभी स्टूडेंट एज खत्म हो गया तो क्या एज अ प्रोफेशनल मुझे गणपति उपासना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। एक ही चीज से आपको वो सारे जवाब मिल सकते हैं, लिखित तौर पे मिल सकते हैं, आप याद कर सकते हो, कहीं पर भी कोट कर सकते हो, और ये सारे जवाब हमने दिए हैं इस बार के न्यूज़लेटर में, तो आप लोग भी जरूर वो न्यूज़लेटर पढ़ना। ये सारे सवाल जितने भी आज तक आपने अभी तक मुझे पूछे वो सारे सवालों के जवाब इस बार के न्यूज़लेटर में आपको जरूर जरूर मिलेंगे। न्यूज़लेटर तैयार है और किसी भी मोमेंट किसी भी क्षण वो ऑलरेडी आपके ईमेल पे आ गया होगा, आपके व्हाट्सएप पे आ गया होगा, पर फिर भी कई बार क्या होता है ना कि बच्चों के पास वो पहुंचता नहीं है। अगर यहाँ ऐसे कोई अटेंडीज है कि जिनको न्यूज़लेटर नहीं मिल रहा है, उनके मम्मी पापा को नहीं आ रहा है या उनका ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने दोबारा वो चैट में मैसेज अभी डाला है। जिनको भी ये न्यूज़लेटर चाहिए, जिनको भी ये सारे सवालों के जवाब चाहिए, बस एक ईमेल कर देना info.dspipal@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप से मैसेज डालना हमारे सौरभ मालपानी को या अमित तनपुरे जी को, और आपको हम जरूर वो न्यूज़लेटर पहुंचाने की डेफिनेटली हम वो पहुंचा देंगे आपके पास। तो आ गए आज के कार्यक्रम के आखिरी मोड़ तक, सुनील जी। हर घर गणपति, हर दिल गणपति। आरती शुरू करें उसके पहले हम थोड़ा रिसर्च के बारे में बताना चाहते हैं। आई रिक्वेस्ट प्लीज स्पीक फॉर दैट। यस सर, हम लोग एक छोटा सा रिसर्च करना चाहते हैं कि हर एक जो बच्चे हैं, हाँ, आप सबको गणेश जी इतना क्यों पसंद है, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है। तो ये सारी चीजें हम एक रिसर्च का फॉर्म बनाएंगे और उसमें आप सब लोगों को फिल करना है। एंड पेरेंट्स के लिए भी हमारे पास मैसेज है, तो गुरु जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्यों बच्चे इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में ओवर टू यू गुरु जी, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू कृपा। बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये गणपति जो है सबका प्यारा है and is one of the most popular gods in the young children. So hamesha sochte hain, because we have our own hypothesis. Ek to Ganesh itself is a joy, usko dekhke hi jo aanand aata hai. The new generation especially is very very closely connected to Ganesh and with no other gods. Probably there are certain things like Ganpati stands for creativity and Ganpati is open to all kind of creative dimensions. Baaki devtaon ki tum picture nahi nikal sakte ho jo Ganpati ke nikal sakte. दो लाइन निकालो, एक राउंड निकालो, जो भी कुछ करना है। सो गणेश इज अवेलेबल इन एनी फॉर्म एंड स्टिल इट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन इंसल्ट टू इट। बाकी देवताओं की जो फिक्स फॉर्म है वो शायद गणपति के लिए बंधन नहीं, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच एनचांट्स देम। ही इज मोर फ्री, मोर फ्रेंडली, नो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, प्रॉब्ली टू माई नॉलेज इज द ओनली गॉड ऑन द गॉड एनर्जी विच कनेक्ट्स ऑल द चक्रज एट द सेम, दैट इज समथिंग ब्यूटी ऑफ गणेश। उसका मूल स्थान है, जैसे आप प्रांजल जी बता रहे थे न्यूज़लेटर में पढ़ोगे, तो उसका मूल स्थान शिव के गुफा में, यानी जस्ट बिहाइंड अवर ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगुटा में उसका स्थान है, शिव गुफा जिसको कहते हैं। और राइट, उसकी जो इन्फ्लुएंस है राइट अप टू दी पार्वती गुफा इन अवर मूलाधार चक्र, इट इज एक्सटेंडेड। सो गणेश जी ऑल चक्रों को साथ में छूते हैं, विच नो अदर गॉड एनर्जी कैन एक्चुअली डू इट। गणेश इज अ गॉड ऑफ अव्यक्त टू द व्यक्त, तो ये सारे चक्रों के द्वारा जो हमारे कर्म बनते हैं, तो गणेश इज अवेलेबल एट एवरी चक्र एट एवरी पॉइंट। शायद इट इज ऑल्सो बिलीव दैट गणेश इज कनेक्टेड, गणेश फ्रिक्वेंसी इज कनेक्टेड इन एवरी सेल, सो इट इज अ बाइंडिंग फोर्स फॉर ऑल द सेल्स, यू नो दैट्स व्हाई द सेल्स आर कॉल्ड एज गण, है ना, हमारे पेशियों को गण कहा जाता है, और उनका जो अधिपति है एनर्जी, दैट इज गणपति, दैट इज अनदर थिंग। सो फोर्थ थिंग दैट वी हैव हाइपोथेसिस, the new generation actually is not very comfortable with the human energy, with the human consciousness, with the human dimension. At the same time, they're very happy with the animal dimension. They're very close to the pets, very close to the dogs and cats and any kind of animal. Ganpati is not human in the real form.
he has a lot of animal element in it, which probably also excites them. Now, Samir doesn't react like human. He is very illogical in his reactions. इसलिए गणपति सब कुछ कर सकता है, जैसे अपने स्वामी है अशक्य ही शक्य करतील स्वामी जैसे कहते हैं। कहा जाता है कि दत्तात्रेय भगवान की जो लड़ाई असुरों के साथ चल रही थी, सारे असुर असुरों ने सारे देवों को मारा था, and that is the time Lord Dattatreya had to enter into the field with Anaga Devi, and that is the time Ganpati actually came and helped all the devatas to come back to the battlefield. No, he motivated them, he revived them. You know, it was some kind of out of box. ये बच्चे क्या देखते हैं गणपति में? गणपति का रूप देखते हैं, गुण देखते हैं, what are the virtues of गणपति, they look into it. Because उनको हाथों से गणपति बनाना भी बहुत अच्छा लगता है. See, they are very creative. And जैसे मैंने कहा कि you cannot make wrong गणपति. That is the most beautiful. So they are not afraid of making mistakes. Kaise bhi banao Ganpati Ganpati dista. And you must have seen a lot of Ganpati. You must have seen a lot of Ganpati is made by the hand. You must have seen a lot of Ganpati pictures have been drawn. Kaise bhi nikalo, tum usko Ganpati hi kahoge. And there's nothing like a bad Ganpati. So somewhere they are not afraid of creating something for which they'll be criticized, they'll be laughed at, or they will be a failure. That is one reason why you cannot fail when you are connected to Ganpati. Because there's nothing like a failure. Everything is so vibrant, everything is so open, and everything is so creative, and everything is beyond all bondages. Now that is Ganpati. No, आपने अगर देखा होगा कि उसने शिव भगवान और पार्वती देवी के आजू में राउंड मारी, and then he said, "This is the complete this world for me." So he has that kind of logic, which is basically called non-linear logic, which new generation is very very close to. तो सारी things हमें find out करनी है, and when they play with the clay. Playing with the clay, you know, they are very happy. और इसमें मेरे ख्याल से उनकी immunity भी boost हो सकती है. Because nowadays I think we have stopped children playing with the clay or the earth. So somewhere that will come back. एक निर्माण. And third thing, बहुत सारे हम लोगों ने देखे हैं young children after their father or mother to bring Ganpati home. और वो लाते नहीं. उनको लगता है कि जैसे अश्विनी ने एक 1995 में कहा, when she was hardly about 8-9 years old. मुझे गणपति चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट अ फ्रेंड एट होम, बाकी सबके घर में आते हैं, मुझे चाहिए. सो वी ऑल्सो वेंट टू द सेम टर्बुलेंस कि लाएंगे, लेकिन गणपति के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसकी पूजा अखंडित नहीं चले, आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगले पीढ़ियों में नहीं हो तो एक पाप है. सो वी फाउंड आउट अ वे आउट ऑफ दैट, वी ब्रॉट अ गणपति एंड डिड नॉट डू एनी कॉन्सेंट्रेशन, उसके प्राण प्रतिष्ठा नहीं की. लाते थे उसको, एक मजे के हिसाब से लाते थे, सब पूजा पाठ करते थे, आरतियां करते थे और उसको विसर्जित करते थे. ऐसे 10 बरस चल, एंड 10 बरस के बाद व्हेन वी ट्रांसफर्ड द होल गणपति उत्सव टू मठ, देन इट बिकेम अ मठ गणपति, देन वी स्टार्टेड कॉन्सेक्रेटिंग इट. नहीं, उसके प्राण प्रतिष्ठा होने लगी बिकॉज ही वेंट इनटू डिफरेंट जोन. तो ये 10 बरस जो आनंद के हमारे साथ गुजरे, मैंने देखा दैट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी क्रिएटेड एट होम. तो बहुत सारे पेरेंट्स आज भी डरते हैं कि ये बच्चों कंसिस्टेंट नहीं है, सो दे आर अफ्रेड कि आज वो बोलेंगे गणपति लाओ और 2 बरस के बाद बोलेंगे नहीं करना है हमें. सो दे आर वरीड अबाउट दैट कि आगे कौन चलाएगा. सो डोंट वरी, मैं पेरेंट्स से एक बात बताऊं, ब्रिंग गणपति विदाउट कॉन्सिक्रेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्राण प्रतिष्ठा, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट इन शास्त्र. एंड इफ द चिल्ड्रन से आफ्टर 2-3 इयर्स टू स्टॉप इट डजंट मैटर रियली, ओके. And if they want to continue and they want to do a consecration in their lifetime, let them do it. Nothing to lose. But tumhara aaj ka jo present hai, that will be very joyful. Nahin? Kal ke dar se aaj ka present ko kharab nahi karna. To main haath jod ke apni parents ko request karta hun. Just seek to their request. Allow them to bring Ganpati, allow them to make Ganpati, allow them to decorate. Usme ek jo creativity tayar hoti hai, ek jo anand tayar hota hai, ek positivity tayar ho chahiye ghar mein. उससे वंचित मत रहे. सो वी आर लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर रिसर्च टू अंडरस्टैंड हाउ द यंग चिल्ड्रन लुक टू गणपति, व्हाट एनचांट्स देम, व्हाट ब्रिंग्स देम लॉट ऑफ जॉय एटसेट्रा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स टू काइंडली एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स टू काइंडली हेल्प अस, काइंडली कोऑपरेट विद अस टू गेट दिस. नहीं, क्योंकि ये जो बच्चों का जैसे बार बार कहते हैं अपने न्यूज लेटर में है चैतन्य में, गणपति एक्चुअली ग्राउंड्स पीपल, ग्राउंड करता है, एक बात है.
क्रिएटिव है, दूसरी बात है, और व्यक्त को व्यक्त में लाता है विदाउट एनी लॉस ऑफ विल, निर्विघ्न निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये जो उसका वर्णन है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखोगे कि गणपति एक ऐसी अवस्था लाता है, ऐसी कॉन्शियसनेस की अवस्था लाता है, आई थिंक वी आर ऑल हैप्पी एट द एंड। सो प्लीज कोऑपरेट विद अस, प्लीज अलाउ द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, व्हाट दे सी इन गणपति, व्हाई दे वांट टू गेट इन द गणपति, व्हाई दे वांट टू क्रिएट गणपति एट होम, एक सारी जो एनर्जी चैनलाइज होगी। और सेकेंडली आप देखते हैं कि जो आज के बच्चों के प्रॉब्लम है, वायलेंस, वोलेटिलिटी, नो दे ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ रिएक्शंस, नो जीरो टाइम रिएक्शन, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस रेस्टलेसनेस इन द ब्रेन। कहीं पे हम मानते हैं कि गणपति अथर्व शीर्ष गणेश पूजन एक्टिवेटिंग द गणेश एनर्जी विद इन यू विल डेफिनेटली हेल्प देम टू स्टेबिलाइज एंड वी विल हैव अ वंडरफुल सोसाइटी इन द फ्यूचर। सो दिस इज अ बिग होप, गणेश इज अ बिग होप फॉर अस, व्हिच ही वाज ऑलवेज, जैसे महादेव ने इसको कहा था, जाके सारे दुनिया में शुभता का फैलाव करो, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक एज प्रांजल वाज सेइंग यू स्प्रेड ऑल अराउंड, जहां जहां मन है, जहां जहां मनुष्य है, जहां जहां हृदय है, वहां गणपति। सो समवेयर आई थिंक वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, सो प्लीज हेल्प अस, थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक लेट अस गो अहेड विद द प्रोग्राम। यस, विवेक वांट्स टू स्पीक। Yeah, good evening everyone, and sorry for the interruption. Such a beautiful proceeding. Just wanted to share one experience, and it would completely endorse your point of view, Guruji. Mera ek Christian student tha, usne birthday par mujhe gift kiye the har saal Ganpati hi chote, and he was a Christian fellow. And I asked him one day ki why only Ganpati, because Hinduism has so many options. And he said, I don't know, mujhe nahi pata. But wo har saal mujhe chota ek Ganpati gift karta tha. So the research has a lot of this thing, solid base, आप जैसा बोल रहे हैं कि कुछ तो है जो बच्चों को attract करता है, which is beyond religion, beyond most belief systems. Yeah, thank you. Thank you for sharing. Thank you so much. Yes, Pranjal ji, go ahead. You are muted, Pranjal. Yeah, thank you, Vivek. So now we will proceed with the aarti. So Sunil ji. Yeah. Yes. Now we will proceed with the actual live arti. Sukhakarta dukhakarta varta vinachi gurvi gurvi prem krupa jayachi sarvangi sundara upishendurachi kandi dhake mar gupta varachi jay dev jay dev jay mangal murti darshan matre mana kamana sukti jay dev jay dev दर्शन मात्रे निर्वाणी रक्षा जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव दर्शन मेरा मन गमता जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि साथि संकट को वैरी विघ्न विनाश समंगल मूरत अधिकारी धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा रमता जय देव जय देव से कोई शरणागतावे संतत संपद सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मुको दिखावे बहु सारी नंदना निखिल गुण गावे जय देव 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 जय देव
जय 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 गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा जय देव जय ते तू भक्ता लागी पावसे लोलाई जय देवी जय देवी जय महिषा सुमर्दिनी सुरमहेश्वर देवता संजीवनी जय देवी जय देवी सुमर्दिनी प्रसन्न होते निर्दासा देशा पासु सोड़ी सोड़ी वो पाशा अम्बे तुम्हासो बंधुनी आशा नहर बनिंदा ला पदपंग जलेता जय देवी जय देवी जय महिषा सुमर्दिनी Yes, thank you, Sunil sir. Thank you very much. Brahmanda Nayaka Raja Adhiraj, Adhiraj Yogi Raj, Ananda Sadguru, Swami Samartha Maharaj, Vijay, Avadhuta Chintan, Shri Gurudev Dutta, Parvati Vataye, Agarma Devara. Okay. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Dekhte hi dekhte program ke ant mein aa gaye. भजन से प्रोग्राम की शुरुआत की थी और आरती से प्रोग्राम का अंत. और अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं अमोल को. या अमोल जय गुरुदेव. जय गुरुदेव एवरीबॉडी. सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम एंड मेकिंग इट रियली कलरफुल एंड ब्राइट. So, vote of thanks, I mean, it's not just a formal thing that I wanted to say, but जैसे शुरुआत हुई हमारी प्रोग्राम की तो माधवी जी और गायत्री जी ने एकदम टोन सेट कर दिया सबके लिए. इतना अच्छा हमें भजन सुनाया, सुन के बहुत अच्छा लगा. इट सेट द पिच फॉर द एंटायर प्रोग्राम. आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर कंपाइलिंग ऑल द पिक्चर्स एंड वीडियोज सो ब्यूटिफुली. एंड थैंक यू टू ऑल दोज हैव सेंट दीज पिक्चर्स एंड वीडियोज टू अस. No, we all enjoyed and we got the blessings of so many Ganeshas at the same time sitting at one place. Sunil ji, thank you for sharing the aarti. We enjoyed doing the aarti with all of you. So thank you once again everybody. And Pranjal, thank you so much for coordinating the entire program so well. Yes, thank you Amol. Before we leave to important announcements, ye Ganesh festival ki abhi shuruaat hui hai, festival khatam hua nahi hai. आप सब लोगों के साथ दोबारा मिलेंगे 5 सितंबर को टीचर्स डे पे. इस फोरम से आप सब लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप आपके टीचर के बारे में कुछ बताइए. कोई भी टीचर हो, केजी से लेकर आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में भी, जिसने आपको गाइड किया हो, वो टीचर क्यों ना हो, आप आपके टीचर के बारे में यहां सबके साथ शेयर कर सकते हो. आपको शेयर इतना ही करना है कि आपको क्या पसंद आया टीचर के बारे में, वो कौन से क्वालिटीज थे जिसके कारण वो टीचर आपको अच्छा लगा,
और उसके जो क्वालिटीज थे उनमें से कौन से क्वालिटीज आपके भी फायदे के रहे, आपके लिए भी वो प्रोत्साहन देते हैं, इसके बारे में आप जरूर बताना। तो इसके बारे में अगर आपको बताना है, इफ यू लाइक टू शेयर इट, तो आपका नाम प्लीज info.dsppl@gmail.com पे भेज देना, या फिर अगेन जैसे मैंने पहले कहा अमित और सौरभ, ये लोगों को आप आपके नाम दे सकते हो इस कारण के लिए भी, और हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और गुरुजी से बात करके आपको जरूर वो मौका देंगे। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे पे दोबारा मिलेंगे। इतना ही नहीं, दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गणपति के ही रिलेटेड, गणपति इज अ लॉर्ड ऑफ क्रिएटिविटी, के बारे में आपको कोई चित्र पेंटिंग तैयार करना है, आपको कोई पोएम तैयार करनी है, आपको कुछ ऐसे लिखना है, या गणपति की आपको स्टोरी बतानी है, गणपति के बारे में कुछ लिखना है, तो ये सब के लिए आपके लिए फोरम ओपन है। 10 तारीख को हम दोबारा आपसे मिलेंगे और वहां पे आप गणपति के बारे में जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, पोएम है, ऐसे है, स्टोरी है, डायलॉग है, जो भी आपने तैयार किया या पेंटिंग है, वो आप पेश कर सकते हो। वो भी आप ईमेल के जरिए, या जो मैंने 2 नंबर बताए सौरभ जी और अमित जी, इन लोगों को अगर आपने कुछ स्टोरी बतानी है तो उसका छोटा सा वीडियो या ऑडियो क्लिप आप ये भेज सकते हो, अगर आपने ऐसे तैयार किया है तो उसका फोटो भेज सकते हो, आपने अगर पेंटिंग निकाला है तो उसका भी फोटो भेज सकते हो। ये सारी चीजें भेजने के लिए दोबारा मैंने जैसे कहा info.dsppl@gmail.com ये ईमेल पे आप भेज सकते हो, या हमारे सौरभ जी और अमित जी के साथ आप संपर्क करके उनके मोबाइल पे, उनके व्हाट्सएप पे आप ये सारे डिटेल्स भेज सकते हो। तो यह गणेश उत्सव अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, तो 2 बार मिलेंगे यह गणपति उत्सव में, 1-5 सितंबर को टीचर दिन को और दूसरा 10 सितंबर को। तब तक के लिए नमस्कार। विद गुरुजी'स परमिशन वी विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।